मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ऑलरेडी कोविड होकर जा चुका है एंड आपको खबर भी नहीं है कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कोविड का इंफेक्शन हो चुका आप उससे पूरी तरह रिकवर हो चुके आप अनजान है कि आपको कोविड हुआ था आज हम उन लक्षणों को पहचानने की कोशिश करेंगे और पीछे मुड़के देखिए कि कहीं आपके शरीर में ऐसे लक्षण तो कभी नहीं रहे जो इंडिकेट करते हो कि आपको ऑलरेडी कोविड हो चुका था एंड आप ऑलरेडी पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं जहां तक कोविड का सवाल है इसको ध्यान से देखिए इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम जानते हैं कि कोविड हमारी आई मीन जानकारी में ये जो पेंडेमिक है ये लगभग जनवरी फेबर टू से रहा यानी करीब एक महीने से रहा लेकिन इट क्वाइट पॉसिबल जो कोरोना वायरस है और भी लंबे समय से रहा हो जो हम जानते नहीं हैं इट क्वाइट पॉसिबल ये हैं या उन्हीं लकी लोगों में से हैं जिन्हें वास्तव में, में कोरोना का इंफेक्शन हुआ रिकवर हो गए विदाउट एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी कॉम्प्लीकेशन नाउ पीछे मुड़के देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लेट 2019, यानी दो, दो हजार ना जनवरी फरवरी आप 2020, इसमें कहीं आपको बहुत सर्दी खांसी तो नहीं हुई आपने देखा कि वो जो सर्दी खांसी हुई वो आपको करीब दो हफ्ते परेशान करती रही आपको छीकें आती रही आपको खांसी होती रही आपको नजला बना रहा एंड इट टुक टिपिकली टू वीक्स टाइम नॉर्मली जो सर्दी खांसी होती है वो पांच दिन के आसपास का टाइम लेती है अगर आपको जनवरी के आसपास का टाइम जनवरी ट्वेंटी के आसपास के टाइम में कोई ऐसी सर्दी खांसी थी जो वास्तव में दो हफ्ते तक रही और उसमें एक आध दो दिन के लिए आपको हाइग्रेड फीवर भी आया तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोरोना का इंफेक्शन हो चुका है एंड जो ऑलरेडी कंप्लीटली खत्म हो चुका है एंड आपको इम्यूनिटी डेवलप हो गई है द सेकंड शॉर्टनेस ऑफ द द्रेड ये देखिए कि जो आपको सर्दी खांसी हुई उसके साथ में कहीं हल्की सी सांस तो नहीं फूली थी और जो सर्दी खांसी के साथ आपको सांस फूली थी आपने उसको माना कि के चलते माना आपने हो सकता है एंजाइटी के चलते हो बट इट इज क्वाइट पॉसिबल में सर्दी खांसी के साथ आपको कोरोना का अटैक साल भर पहले ऑलरेडी निकल चुका है इट इज क्वाइट पॉसिबल नंबर तीन पर आता है परसिस्टेंट का

इट वाज कफ कफ और इस ने काफी परेशान किया था जो करीब दो हफ्ते के आसपास रहा अगर यह आपको जनवरी 2020 के आसपास रहा दो हफ्ते इस खांसी ने परेशान की तो इसका मतलब यह है कि आपको कोविड ऑलरेडी हो चुका है आप ऑलरेडी उससे पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं याद करके देखिए पिछले साल भर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कभी आंख लाल हुई वास्तव में कंजंक्टिवाइटिस हुई ये जो रेडनेस हुई आपकी आंख में से पानी निकला आप रात में सोते थे सवेरे उठते थे तो आंख चिपकी हुई मिलती थी ये वास्तव में जो कंजंक्टिवाइटिस या रेड आई होती है ये वास्तव में जो कोविड है उसका एक लक्षण है जो कोविड है उसमें कंजंक्टिवाइटिस होती है आई की वाटरिंग होती है कभी कभी हल्की सी ब्लरिंग विजन होती है क्योंकि जो कोविड नाइनटीन है आपकी जो हैं उनको अफेक्ट करने की ताकत रखता है तो देख के देखिए कि जनवरी 22 से लेके अभी तक क्या आपको इस तरह के कोई लक्षण आए अगर ये कोई इस तरह के लक्षण आए तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोविड हो चुका है एंड आप पूरी तरह से उससे ठीक हो चुके हैं नो लुक एट दी आई मीन हार्ट प्रॉब्लम इन द सेंस कि जब आपको सर्दी खांसी हुई उस सर्दी खांसी के साथ क्या ऐसा हुआ कि आपको बहुत पेल्पिटेशन हुए या दिल की धड़कन तेज हुई क्या आपको ऐसा लगा कि आपको हल्का सा चेस्ट पेन हो रहा है क्या आपको लगा कि धड़कन है कुछ रेगुलर लग रही है या कभी आपको लगा कि सीने में बहुत टाइटनेस आ रही है यह बात बिल्कुल सही है कि सर्दी खांसी के साथ अगर आप समझते हैं कि यह कोविड था तो कोविड में इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो दो हफ्ते से लेकर छह हफ्ते तक चल सकते हैं तो अगर सर्दी खांसी आपको थी जुखाम था और उसके साथ में आपको कुछ हार्ट के पेल्पिटेशन या इस तरह की आए, then it is quite possible के आपको ये जो इंफेक्शन है ये कोविड से रिलेटेड था जो कंप्लीटली रिकवर हो गया और ये मैं बात कर रहा हूं 2020 जनवरी फरवरी से लेकर अभी तक के बीच में तो इनको सिम्टम्स को ध्यान से देखिए ना आप ध्यान से देखिए आपको जो ना सर्दी खांसी जुकाम हुआ इन उसके साथ आपको इतनी कमजोरी हुई कि आप दिन भर बिस्तर में लेटे रहते थे इन जो एक्सट्रीम फटीक था आप सोते भी थे रात भर छह आठ आठ घंटे भी सोते थे उसके बाद भी सिर्फ जब आप सो के उठते थे तो ऐसा लगता था कि फटीक कमी नहीं हुआ पूरी नींद लेने के बावजूद भी जो बॉडी है वो रिजिबरेट नहीं हुई

ड्यूरेशन में देखिए कभी ऐसा हुआ क्या कि सर्दी खांसी के साथ आपकी सूंघने की शक्ति भी चली गई आपका स्वाद भी चला गया अगर आपका टेस्ट की जो फीलिंग भी चली गई और स्मेल की फीलिंग भी चली गई तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दिस वाज कोविड-19 इंफेक्शन अगर सर्दी खांसी के साथ आपकी स्मेल भी जाती है और टेस्ट भी चला जाता है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोविड-19 का इंफेक्शन ऑलरेडी हो चुका है साइंस ऐसा मानती है कि जब कोविड-19 का इंफेक्शन होता है तो एप्रोक्सीमेटली 80% लोगों को टेस्ट एंड स्मेल गायब हो जाती है इन उसको रिकवर होने में कभी कभी हफ्तों लग जाते हैं यह बात सही है कि टेस्ट का गायब होना या स्मेल का गायब होना इस चीज का संकेत है कि यह कोविड का इंफेक्शन तो है लेकिन यह माइल्ड इन डिजीज को इंडिकेट करता है नो अगर ऐसा लगता है आपको कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोविड का इंफेक्शन ऑलरेडी हो चुका है जो आपकी जानकारी में भी नहीं रहा और वो निकल भी गया है तो इसे हम कैसे कंफर्म करेंगे इसको कंफर्म करने का बहुत सिंपल सा तरीका है एक ब्लड टेस्ट कराइए और उस ब्लड टेस्ट में कोरोना की एंटीबॉडीज को नापिए जो एंटीबॉडीज हैं वास्तव में प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं ये किसी भी इंफेक्शन के रिस्पांस में बनती है मुझे कोई भी इंफेक्शन होगा तो उसके रिस्पांस में मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी उसे लड़ने के के लिए ये जो ये जो जो एंटीबॉडीज होती हैं कोविड 19 अगेंस्ट में मेरी बॉडी बनाती है ये वास्तव में प्रोटेक्टिव होती है साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको अनजाने में या आपकी जानकारी भी नहीं है एंड आपको कोविड नाइनटीन हो चुका है आपको एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि आपको कोविड 19 का जो इंफेक्शन वो दोबारा होगा नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अगर आपको वेरिएंट कोई भी ऐसा है या जैसे बात हम करते हैं कि कोविड नाइनटीन के बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं, म्यूटेशन हो रहा है बहुत सारे वेरिएंट्स हैं क्या आपको कोई इंफेक्शन वेरिएंट के चलते हुआ जहां तक वेरिएंट का सवाल है जो सिम्टम्स हैं वो 90 परसेंट सभी के एक ही जैसे हैं सर्दी खांसी जुकाम फीवर थोड़े बहुत जीआई सिम्टम्स बट ऑलमोस्ट 90 परसेंट सिम्टम्स वेरिएंट्स के भी वही हैं जहां तक सीरियसनेस का सवाल है साइंस ऐसा मानती है कि जो वेरिएंट्स हैं इनमें भी सीरियसनेस लगभग उतनी है जितनी ओरिजिनल कोविड नाइन्टीन में थी ऐसा कोई सीरियसनेस बड़ी नहीं है लेकिन यह बात सही है कि जब भी म्यूटेशन होते हैं जब भी वेरियंट डेवलप होते हैं तो ये जो म्यूटेंट्स होते हैं इनकी पर्सन टू परसन स्प्रेड करने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा हो जाती है मतलब स्प्रेड करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हो जाती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ज्यादा सीरियसनेस करेंगे या ज्यादा ये जो है आई I मीन mean, कुछ सिम्टम्स लेके आएंगे जो आपको प्रॉब्लम करेंगे बट एज स्प्रेड एजार कंसर्न वो हमेशा ज्यादा होती है दैट इज द मेजर डिफरेंस तो अगर आप ध्यान से देखिए कि दो दिसंबर और आज है अप्रैल 2021, थाउजेंड ट्वेंटी वन दैट मीनस अप्रोक्सीमेटली चौदह महीने का टाइम यानी दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 हजार 20, दो हजार सॉरी तक इस चौदह महीने के दौरान आप पलट के देखिए कि जो अभी मैंने सिम्टम्स आपको बताए क्या इसमें से कोई सिम्टम्स आपकी बॉडी ने सफर किए क्या इन सिम्टम्स ने आपको परेशान किया क्या इन सिम्टम्स से आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह से रिकवर हो गए एंड देन इन दैट सेंस इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके नॉलेज के बिना कोविड 19 का इंफेक्शन आपकी बॉडी से निकल चुका है एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी बॉडी कोविड 19 के लिए इम्यून हो गई है इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली हैं इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एंटीबॉडीज बना ली हैं इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी कोविड के री इंफेक्शन के अगेंस्ट एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है अगर आप समझते हैं कि इस सम, इस समस्या को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच